वीरों की भूमि बुंदेलखंड का हृदय झांसी। कभी चंदेल राजाओं का गढ़ रहा झांसी, आज भी वीरता, साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक है। पहुंच और बेतवा नदी के बीच में बसा उत्तर प्रदेश का ये जनपद पत्थरों से बने झांसी किले के चारों ओर फैला हुआ है। झांसी विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है। झांसी ने स्वच्छता के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम कर मिसाल कायम की है। पंचायत राज विभाग ने केंद्र और राज्य सरकार के स्वच्छ भारत मिशन को हाथों हाथ लिया और जनपद के आठों ब्लॉकों में हर ग्राम पंचायतों में हर घर तक स्वच्छता का संदेश पहुंचाया। जनपद झांसी में स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 से लागू है। अब तक हम लोगों ने लगभग 1.5 लाख शौचालय यहाँ झांसी जनपद में बना लिए हैं। मुझे हर्ष इस बात का होता है कि लगभग सभी लोग जो शौचालय बनाए गए हैं उनका उपयोग भी गाँव में कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन को 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया। गांधी जी के संदेश से प्रेरित ये मिशन लोगों को स्वच्छता का पैगाम दे रहा है। गांव में साफ सफाई और शौचालयों के उपयोग को बढ़ावा देकर ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार लाना स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य है। प्रधान जी से पैसा लिया और अपने सहयोग से और उनके सहयोग से 20 शौचालय का निर्माण कराया। हमने देखा कि वहाँ पर जाते थे तो एकदम से लेटरिन के 100 ढेर लगी रहती थी, लेकिन दूसरे दिन जब मैंने वो शौचालय तैयार कराया कुछ दिन बाद तो देखा वहाँ उत्तरोत्तर कमी आई और एक स्थिति ऐसी बनी कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं जाता था उस मोहल्ले में। पंचायत राज विभाग ने वर्ष 2014 से सरकार की शीर्ष प्राथमिकता वाली योजना को जन जन तक पहुंचाना शुरू किया। झांसी के 8 ब्लॉकों में 496 ग्राम पंचायतें और 818 राजस्व ग्राम हैं। बेसलाइन सर्वे 2012 के अनुसार यहां 1,24,567 परिवारों में शौचालय नहीं था। अधिकारियों कर्मचारियों ने निष्ठापूर्वक काम किया। बड़े बुजुर्गों ने स्वच्छता को अपने जीवन में उतारा। घर, गली, मोहल्ले चमक उठे। गांव में सफाई हर तरफ दिखने लगी। लेकिन सबसे बड़ा काम हर घर में शौचालय बनवाना था। झांसी ने ये मुकाम भी हासिल कर लिया। झांसी में मऊरानीपुर ब्लॉक के मेढकी ग्राम पंचायत में स्वच्छता का सर्वेक्षण किया। साफ सुथरे प्राथमिक विद्यालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र के परिसर स्वच्छता का पैगाम दे रहे हैं। विद्यालयों में बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय बने हैं। पहले इतनी ज्यादा टॉयलेट नहीं थी, मतलब जो बड़े आदमी थे उनकी यहाँ पे बनी थी। अब मतलब घर घर है तो सब लोग टॉयलेट का प्रयोग करते हैं। हमारा गांव खुले में शौच मुक्त है और सब लोग शौच करने के लिए शौचालय का प्रयोग करते हैं। और शौचालय का प्रयोग करने से हमारे गांव में बीमारियां भी बहुत कम हो गई हैं। पहले बच्चों को बहुत सारी बीमारियां हो जाती थी और गंदगी में मच्छर भी पलते थे, जिसकी वजह से मच्छर काट लेते, जैसे मलेरिया डेंगू जैसी बीमारी हो जाती है। अब ऐसी बीमारी नहीं होती। आंगनबाड़ी केंद्र ने सफाई के हर पैमाने का ख्याल रखा है। मेढकी गांव ने स्वच्छता मिशन में नया आयाम हासिल किया है। यहां के हर घर में इज्जत घर बने हैं। बच्चे, महिलाएं और पुरुष शौचालय का उपयोग कर रहे हैं। 1 साल हो गई शौचालय बने हैं और बाहर नहीं जाते हैं आदमी, शौचालय में होते हैं। जब शौचालय नहीं है तो बाहर जाते थे, जैसे शौचालय होगा सब जान लगे शौचालय में। पहले बीमार बाहर जाते थे, बाहर बीमारी होती थी
और जब से शौचालय में जाने लगे जब से सही काम होने लगो। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश था कि घर घर शौचालय हो स्वच्छ भारत मिशन के तहत, सबसे पहले काम मैंने प्रमुखता पर इस गांव में शौचालय के लिए किया। लोगों को समझाया, मॉर्निंग फॉलोअप किया, घर घर जाके जागरूक किया, बानर सेना का भी गठन किया। सुबह 4 बजे जाग के जो गांव के बाहर की सड़कें हैं वहाँ गए, जो लोग बाहर जाते थे उन लोगों को समझाया कि बाहर जाने से क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। और इस तरह से 2 अक्टूबर को 18 को गांव खुले से स्वच्छ मुक्त हो गया। अब उठो देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको, बन कर धारा बहना है हमको डगर डगर, बसती बसती गांव गली और हर एक नगर नगर। अब हमारा लक्ष्य ODF को स्थायित्व तो बनाए रखने के लिए ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर कार्य करना है, जिससे स्वच्छता के सभी आयामों को पूरा किया जा सके। बड़ा गांव ब्लॉक के छपरा गांव में आंगनबाड़ी केंद्र स्वच्छता का संदेश दे रहा है। मासूम बच्चों को आंगनबाड़ी सहायिका स्वच्छता का पाठ पढ़ाती हैं। बच्चे सेहत और स्वच्छता का नाता समझते हैं। वे संदेश दे रहे हैं, खाने से पहले और शौच के बाद अवश्य धोएं साबुन से हाथ। सबके यहाँ टॉयलेट बने हुए हमारे गांव में, और सभी बच्चों को हम यही सलाह देते हैं कि सब अपने बच्चे शौचालय में टॉयलेट करने जाएं, बाहर नहीं हो। बच्चे सब अपने शौचालय में जाते हैं, और दूसरी बच्चों से कहते हैं कि बच्चे अगर शौच के बाद अपने हाथ साबुन से धोएं, और खाना खाने से पहले भी अपने हाथ साबुन से अच्छे धो लें। 8 तारीख को किशोरी दिवस मनाते हैं, तो किशोरियों को, गांव की किशोरियों को बुलवाते ले हैं, विद्यालय की किशोरियों को बुलवाते हैं, तो उन लोगों को भी सलाह देते हैं कि आप लोग अपना साफ़ सफाई पे विशेष ध्यान दें, कोई ऐसा ना हो कुछ गंदा कपड़ा वगैरह ले जाना तो अपना पेट का इस्तेमाल करें। कोटरा सुहागपुर ने वर्ष 2014 में एक कदम स्वच्छता की ओर बढ़ाया था। ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव, स्वच्छाग्रही की टीम के प्रयास से स्वच्छ कोटरा सुंदर कोटरा बना। आंगनबाड़ी केंद्र और पंचायत भवन स्वच्छता की नजीर हैं। मुझे सबसे बड़ी उसकी कड़ी लगी कि बच्चों को समझाया जाए, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं वो इस चीज को अच्छे से समझते हैं। तो बच्चों ने भी मैं बहुत हेल्प की, इस विभाग में सबसे ज्यादा हेल्प हमारी अधिकारी वर्ग ने बहुत ज्यादा की। सर हमें तो अपना गाँव स्वच्छ मुक्त करना है, कैसे भी हो, जितना हो सकेगा हम और बढ़ाने की बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे कि कोई भी आदमी बाहर ना जाए हमारे गांव का, सारे बस अपने घर में जाएं, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, बस यही हमारी एक कामना है अपने गांव के लिए। अधिकारियों के निरंतर प्रयास व आम जन के सहयोग से झांसी ने 1,24,567 शौचालय बनाने के लक्ष्य को सफलता पूर्वक पूरा किया, तो पंचायत राज विभाग ने 30 सितंबर 2018 को जनपद की 496 ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया। बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग जो है अभी ODF प्लस और ODF प्लस प्लस की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उस पर ध्यान दे रहे हैं, जो भी तरल और अपशिष्ट प्रबंधन है उसको भी हम लोग हैंडल कर रहे हैं। इसके लिए गांव-गांव में अभियान चलाया जा रहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसका उपयोग नहीं किया जाए, और जो भी प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं उसको किस प्रकार से सही तरीके से डिस्पोज किया जा सकता है। झांसी आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संकल्प के साथ महात्मा गांधी के सपने को पूरा कर चुका है। इस उपलब्धि के लिए पंचायत राज विभाग के अधिकारी व आम जन भी गौरवान्वित हैं।